नमस्कार, स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। हम इस वक्त डोडा में हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आर्टिकल 370 पर के मेरा नाम उमर जावेद है। आप मैं ANI मीडिया के साथ काम करता हूँ, यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ ANI को। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि पहले मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं? मैम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हमारे पास। मतलब एक ही जरिया होता है हमारे पास, मोबाइल कनेक्टिविटी, जिससे हम अपना सारा हमारा काम ही डिपेंड एक्चुअल में उसी पे होता है कि कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्या हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ या लोगों के साथ। कनेक्टिविटी जो थी वो मोबाइल के ज़रिए थी। हम इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं आजकल जनरेशन के, वो जो भी देखते हैं कि मोबाइल पे ही डिपेंड है सारा कुछ। मगर हमारा एकदम से कट गया हुआ है, 4 तारीख से हमारा मोबाइल बंद हो चुके हैं, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर सोसाइटी में क्या हो रहा है, हमारे सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है, हमें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट भी की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि आप हमारा मोबाइल जो है चला दीजिए। जैसे कि देख रहे हैं हम कि बहुत सारे जियो नंबर्स यहाँ पे चल रहे हैं, पर हमारा नंबर कोई भी एक्टिवेट नहीं किया जा रहा है। हायर अथॉरिटी से बात की तो उन्होंने कहा कि मीडिया को रिस्ट्रिक्ट किया गया है, मीडिया के नंबर नहीं चल सकते हैं। तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। हम सुबह उठते हैं, ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, क्या करें कोई समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि हम कोई डेवलपमेंटल स्टोरी यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर कहीं से की भी हमने कोई स्टोरी तो ब्रॉडबैंड की स्पीड इतनी स्लो है कि हम एक दिन लग जाता है छोटी सी फाइल अपलोड करने में। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है हमारे लिए, हमने ऐसा तो कभी देखा नहीं था। अगर चलो अगर आप नेट नहीं चलाते हैं, चलो कम से कम आप मोबाइल तो खोल दें ना, बात तो हम कर सकें ना, हमें इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर सकें हम। जो यहाँ पे कुछ ऑफिसेज में ये जो लैंडलाइन नंबर हैं उन पे अगर हम बात करना चाहें तो वहाँ पे कोई फ़ोन नहीं उठाता है, हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं आती है कहाँ से। एक इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है देसा में, वहाँ पे 2 बंदे मर गए हैं, 13 से 14 लोग ज़ख्मी हो गए हैं। हमें 3 दिन बाद इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो 3 दिन बाद हम क्या करेंगे उस स्टोरीज़ का। तो लोगों के साथ इतनी जो प्रॉब्लम्स हैं, हम कुछ स्कूलों में गए, उन वहाँ पे हमने देखा कि उतने बच्चे आए नहीं थे। हमने उनसे बात की क्या हुआ है, क्यों नहीं बच्चे आ रहे हैं स्कूल्स, क्या वजह है। वो कहने लगे हमारे कॉन्टैक्ट ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता ही नहीं है कि स्कूल खुल गए। ऐसे हालात यहाँ पे सामान्य है, क्या ऐसा कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से लोगों में डर होना चाहिए? नहीं, आज तो नहीं हुआ। मतलब मैं कहता हूँ कि जहाँ जब कहीं पे भी स्टेट में कोई भी दंगा होता है, उसका डोडा में कभी भी असर हमें देखने को नहीं मिला है। ये आज की बात नहीं, यहाँ पे कर्फ्यू लगा फिर भी लोग यहाँ पे चल रहे थे, उस दौरान भी चल रहे थे। अब तो नॉर्मल है। मैं कहता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जैसा, डोडा डिस्ट्रिक्ट जैसा जो है ना डिस्ट्रिक्ट, अभी पूरे स्टेट में कहीं भी नहीं होगा। ऐसे हालात कहीं नहीं दिखेंगे आपको पूरे जो जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं हमें, इतना नॉर्मल सी है। मगर यहाँ पे एक ही चीज़ की कमी है, यहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। लोग बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो चुके हैं इसकी वजह से, क्योंकि डिपेंड थे यहाँ पे। अब कि लोग आपके पास इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहे हो, कि अगर ये र्यूमर है, क्या ये र्यूमर है या सच है, या लोग आपसे जानना चाहेंगे कि इंटरनेट कब चलेगा, मोबाइल कनेक्टिविटी कब चलेगी, लेकिन आप ही को नहीं पता है कि क्या हो रहा है। मैम, हर जगह मतलब जब भी आप मार्केट में जाओ ना, तो लोगों को एक एक्सपेक्टेशन है कि मीडिया को सब कुछ पता होता है, अंदर की भी खबर है, बाहर की भी खबर है। मगर हम क्या बताएं उनको कि हमें अपनी खबर नहीं है अभी, तो हम क्या। अगर कोई र्यूमर्स भी हमारे पास होती है या ऑफिस में हमारे कुछ लोग आते हैं कुछ बात करने, मगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ना कि वो र्यूमर्स हैं, हम कंफर्म ही नहीं कर पाते हैं, ऑफिशियल वर्जन्स नहीं ले पाते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि हम इस न्यूज़ को छापें नहीं छापें, लगाएं नहीं लगाएं, वो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि हमारे पास कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स होते ही नहीं है। क्या पर्सनली जाके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के किसी शख्स से मिले, क्या वो कोऑपरेटिव हैं आपके साथ, वो आपके जो रूमर्स हैं उन्हें नलीफाई करने में आपकी हेल्प करते हैं, या वो भी मिलने से इनकार कर रहे हैं? नहीं, मतलब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जो DC साहब हैं वो हम तो हमसे मिलते हैं, जब भी हम उनके पास जाते हैं वो तो हमारे साथ मिलते हैं। पर वो भी कितना मिले हमसे, जब तक हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है हम क्यों मिले जाके खामखा उनके पास, जब हमारे पास कोई स्टोरी नहीं है फाइल करने के लिए। हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है सोसाइटी में, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है। हिली एरिया है डोडा, टाउन कितना है, आप 10 मिनट में पूरा टाउन घूम सकते हो। तो यहाँ पे स्टोरी करने के लिए जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। हमें ये नहीं पता है कि हम पॉजिटिव स्टोरी भी करें तो अगर हमें पता ही नहीं है हो क्या रहा है डिस्ट्रिक्ट में, पॉजिटिव कहाँ हो रहा है, क्योंकि किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के किसी भी ऑफिसर के साथ हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है ना, वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ना हम उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
गाँव में अगर कोई इंसिडेंट हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है मैम, 3-4 दिन लग जाते हैं। यहाँ तक कि हमें ये जो एक इंसिडेंट हमारे सामने आया, हमें तो पता ही नहीं है ना अभी क्या हो रहा है डोडा में। और यहाँ पे हमने जब भी बात करनी चाहिए डोडा के लोगों के साथ, तो उनने कहा मतलब वो लोग भी डर रहे हैं बात करने को। हम तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, हम तो पॉजिटिव स्टोरीज़ करने के लिए जा रहे हैं कि नॉर्मल हालात हैं या ये ऐसा कुछ है, मगर वो भी बोलने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं सामने। तो आपकी डिमांड क्या रहेगी गवर्नमेंट से? हमारी तो यही डिमांड है कम से कम मोबाइल कनेक्टिविटी तो खोल दें ताकि हम बात कर सकें, ताकि इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाएं। मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? मोहम्मद असगर भट्ट। जैसे कि हम देख सकते हैं कि आप डेली उड़ान के साथ काम करते हैं, इस वक्त क्योंकि इंटरनेट पोर्टल्स नहीं चल रहे हैं, इंटरनेट नहीं चल रहा है, मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं चल रही है, अखबार के कारोबार पर कितना असर पड़ा है? सबसे पहले तो मैं TSL टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो जम्मू से यहाँ पे आए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो क्या दिखाता है, ग्राउंड पे क्या है, रियलिटी क्या है, हम देख क्या रहे हैं, उससे तो डोडा को तो आपको दिखाएगा ही नहीं। यहाँ जो हमारे लोग गाँव में बैठे हैं उनको तो पता चलेगा नहीं डोडा में क्या हो रहा है। वो जम्मू या श्रीनगर दो शहर, लाल चौक और जम्मू बस स्टैंड दिखाएंगे, उससे तो यहाँ पे सिचुएशन का पता चलेगा नहीं। डोडा जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा, ये पीस का हब रहा है, यानी अमन का गहवारा रहा है। यहाँ कभी भी हमने फसादात अपनी लाइफ में तो नहीं देखा, पहले कहीं हुए भी हैं तो लोगों को जैसे ये कुछ 35A या 370 टूटा, इसके बारे में क्या रुझान आते हैं, इस ये हम तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक, क्योंकि जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन होती थी, आज नेट का ज़माना है, फ़ोन का ज़माना है, जब भी हमें कोई प्रेस नोट देता है वो हमारे पास फ़ोन करता है या थ्रू व्हाट्सअप या कुछ दूसरा जो इंटरनेट का, तो जब से ये 21 डेज मेरे को हो गए कि मैंने ओनली 2 न्यूज़ मेल की, वो भी मैंने वो न्यूज़ भेजी है जो मैंने खुद देखी, क्योंकि उस पर मैं खुद जानता था, उस पर मैंने पूरा उसको क्लैरिफाई किया कि ये न्यूज़ है, बाकी हम कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। लोग हम तक पहुंचते हैं 4 दिनों के बाद, अगर वहाँ कोई किसी का घर गिरा है या कोई कैजुअलिटी हुई है तो हमें 4 दिन के बाद पता चलता है। तो इसी तरह गाँव में शादियाँ थी, बहुत दिलचस्प एक बात है कि यहाँ श्रीनगर से बारात हमारे कास्तीगढ़ में आ रही थी, तो 1 महीने पहले वो प्रोग्राम था शादी का, सब कुछ फिट था, दावतें वगैरह हो गई थी, मगर जो लड़की वाले थे उनको ये पता नहीं था कि दूल्हा आएगा भी या नहीं, तो वो इसी तजबजब का शिकार रहे। उनको दूसरी लड़की की भी शादी थी, तो जब दूल्हा उनके दहलीज पे पहुंचता है घर पे, तो उनको पता लगता है कि बारात आई है। फिर लड़की कहीं घास लेने गई थी कि पता नहीं, अब ऐसे कहीं गाँव में थी, उसको उन्होंने बुलाया कि देखिए ये दूल्हा आ गया, तो फिर कहीं जल्दी वो शादी नहीं हुई, उसे बोलते हैं फॉर्मेलिटी पूरी हुई, लड़की ले ली, जैसे दुकान से उठाई तो ले गई। ऐसे दूसरी भी बहुत ज़्यादा लोगों को, अब ये मोबाइल फ़ोन ना चलने की वजह से अफवाहें चल रही हैं, कोई कहता कि आर्मी आ रही है कि जंग होगी, कोई बोलते कोई दूसरी, कोई अब आम लोगों को पता नहीं कि कलर अलग अलग होते हैं फोर्सेस के, बोलते ये पता नहीं कौन सी मारने वाली फोर्स है, कोई बोलता है ये रैपिड एक्शन को जंग के बाद आती, यानी जिसको जो मर्जी आता वो बोल देता है, क्योंकि इस रूमर्स को वेरीफाई करने के लिए कि ये रूमर सच है या नहीं है कोई ऑप्शन नहीं। अगर हम जाते भी एडमिनिस्ट्रेशन तक वो बताते हैं, मगर हम कैसे उन तक पहुँचाएँ, हाँ ये सबसे बड़ी मसला है। अगर यहाँ पे पीस है टोटली, अगर आप बोल रहे हो कंटिन्यू पीस है भी वाकिया पीस है, तो मोबाइल फ़ोन कम से कम अगर फुल डे नहीं चला सकते हो तो दिन में 4 घंटे 2 घंटे चला दो, टेस्ट करो। इन्होंने टेस्टिंग भी नहीं की तो सीधा कदगन लगाया, जैसे श्रीनगर लाल चौक बना है डोडा वैसा है नहीं यहाँ पे। तो आपने सुना कि दोनों जर्नलिस्ट का कहना है कि यहाँ पर क्योंकि हालात सामान्य है तो इनको कम से कम ये सोचना चाहिए कि जो जर्नलिस्ट यहाँ पे है जो यही काम कर रहे हैं कि यहाँ पे जो नॉर्मलाइज सिचुएशन है वो लोगों तक पहुँचाएं, लोगों को ये बताएं कि डोडा हमेशा से अमन प्रिय रहा है और यहाँ पर ऐसे कोई हालात नहीं बने जिनकी वजह से आपको मोबाइल कनेक्टिविटी बंद करने की ज़रूरत पड़े। इनका काम है रूमर्स अगर ये सुनते हैं तो लोगों को बताना कि ये रूमर्स सच नहीं है, लेकिन वो करने के लिए भी कम से कम इन्हें मोबाइल कनेक्टिविटी की ज़रूरत है, इंटरनेट की ज़रूरत है। इंटरनेट अगर नहीं भी हो तो कम से कम मोबाइल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। हमने यहाँ पे आम लोगों से भी बात की जिनका कहना है कि जो बच्चे डोडा से बाहर पढ़ रहे हैं उनकी फैमिलीज अगर उनसे बात करना चाहती है तो उन्हें लंबी लंबी कतारों में लगना पड़ता है। अगर 15 मिनट के लिए ही दिन में मोबाइल कनेक्टिविटी ऑन हो, टेस्टिंग फेज में ही ऑन हो, तो ये पता चल जाएगा कि डोडा में सच में हालात सामान्य हैं और मोबाइल कनेक्टिविटी की वजह से किसी को भी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मीडिया जिसका काम है लोगों की आवाज़ को बाहर पहुंचाना, लोगों को ये दिखाना कि डोडा में इस वक्त हालात कैसे हैं, यहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, यहाँ पे लोगों का क्या मानना है, मीडिया के ऊपर ही अगर कदगन लगेगी, अगर यहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी ना होने की वजह से मीडिया एडमिनिस्ट्रेशन तक से बात नहीं कर पाएगा तो फिर वो बाहर कैसे बताएगा कि डोडा में हालात बिल्कुल ठीक हैं।